Hello friends, I am Dr. Nilesh Male. I am radiation oncologist here at Bharat Cancer Hospital, Nirali Memorial Radiation Center, Bharatiya Maiya Memorial Foundation, Tomotherapy Center. आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो लेटेस्ट फैसिलिटी है अभी इंस्टॉल हुई है, दिसंबर महीने में हमने यहाँ पे टोमोथेरेपी सिस्टम इंस्टॉल की है, रेडिक्जेट X9, जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये एक लेटेस्ट रेडिएशन मशीन है जिसके अंदर बहुत ही सटीक तरीके से अचूक रीत्या रेडिएशन का सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट हो सकता है। ये मशीन रेडिक्जेट X9 टोमोथेरेपी US बेस्ड एक्यूरे कंपनी से बनाई गई है और इसके निर्माण में लगभग 29 करोड़ का खर्चा हुआ है और ये भारत का फर्स्ट ऐसा सिस्टम है जो अपने यहाँ पे सूरत में इंस्टॉल हुआ है। इस मशीन की खासियत ऐसी है कि इसमें हर एक प्रकार के कैंसर का इलाज सही तरीके से हो सकता है और उसके अनुसार सिस्टम इतनी अच्छे से रेडिएशन दे कि कम से कम साइड इफ़ेक्ट हो और ट्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन दिया जाए और मैक्सिमम ट्यूमर कंट्रोल मिले। हम देखने जाए तो इस सिस्टम के अंदर रोज़ रेडिएशन करने के पहले एक सीटी स्कैन किया जाता है जिसके अनुसार आप देख सकते हैं कि रेडिएशन का फोकस सही जगह से एडजस्ट हुआ है या नहीं। उसके अलावा हम इसमें यह पता कर सकते हैं कि उस दिन की स्थिति पेशेंट की कैसी है, ट्यूमर किस कैसी है और उसके अनुसार आप ट्रीटमेंट में अगर प्लान में कुछ बदलाव करना है तो वो कर सकते हैं। और उसके बाद में रेडिएशन बहुत ही फास्ट दिया जाता है क्योंकि इसमें हाई डोज रेट सिस्टम अवेलेबल है। टिपिकल एक मुंह और गले का कैंसर है उसकी ट्रीटमेंट लगभग 3 मिनट में पूरी हो जाती है और उसका जो वेरिफिकेशन स्कैन है उसके लिए 2 मिनट का समय लगता है। ये ट्रीटमेंट एकदम ही पेन फ्री है और पेशेंट चलकर अंदर जाए और चलकर ही बाहर आ सकता है। इस मशीन की खासियत ऐसे है कि पेशेंट को कम से कम स्किन रिएक्शन आए, कम से कम वीकनेस आए, कम से कम परेशानी हो, ये हम इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा कई 10 से 15% केसेस में रिपीट रेडिएशन देना होता है जिसके लिए इसमें खास फैसिलिटी है। आप पुराने रेडिएशन का रिकॉर्ड्स इसके अंदर इंपोर्ट करके नया प्लान उसके अनुसार बना सकते हैं ताकि कम से कम कॉम्प्लिकेशंस हो। बच्चों के जो कैंसर है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में एक साथ रेडिएशन देना होता है उसके लिए ये मशीन बहुत ही खास मॉडलिटी इसके अंदर अवेलेबल है जिसमें आपको एक सिंगल सेशन में कम से कम टाइम में ज़्यादा अचूक तरीके से आप रेडिएशन इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा मुंह और गले के कैंसर है, गर्भाशय का कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, ये सारे कैंसर्स में शरीर के नॉर्मल हिस्से जैसे कि हार्ट हो, लंग्स हो, उसमें कम से कम डैमेज हो और ट्यूमर को पूरा डोज मिले और बढ़िया से बढ़िया ट्यूमर कंट्रोल हो, वो इस मशीन के अंदर संभावित है। ये ट्रीटमेंट ट्रस्ट सेटअप में है इसीलिए ट्रस्ट ने बहुत ही वाजबी दर में इस ट्रीटमेंट को साउथ गुजरात के नागरिकों के लिए प्रेजेंट किया हुआ है और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इससे मैक्सिमम बेनिफिट लें। नमस्ते दोस्तों, मैं आपको अभी रेडिएशन की प्रणाली किस तरीके से होती है समझा दूं। जैसे पेशेंट रेडिएशन के लिए आते हैं उन्हें इस सिस्टम के ऊपर काउच पे लेटना है और काउच धीरे धीरे हमारे टेक्नोलॉजी अंदर की तरफ ले जाते हैं, काउच फिर यहाँ लॉक हो जाएगा ताकि उसमें मूवमेंट नहीं हो और फिर बाहर आके रिमोटली हम ये सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। CCTV कैमरा के जरिए हम पेशेंट को देख सकते हैं और पेशेंट से बातचीत भी कर सकते हैं, पेशेंट भी हमसे बातचीत कर सकता है अगर उन्हें कोई कठिनाई हो तो। इस सिस्टम के अंदर हमने पहले एक प्लानिंग स्कैन किया हुआ है जो आप यहाँ देख रहे हो और उसके बाद में डेली बेसिस पर हम लोग दोबारा एक स्कैन लेते हैं जिससे कि पेशेंट का वेरिफिकेशन हो जाए। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ग्रीन कलर में एक आपको स्कैन दिख रहा है ग्रीन शेड में, तो ये दोनों स्कैन में कितना फ़र्क है। ये सॉफ्टवेयर इसमें ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन का एक फीचर है, उसके अनुसार सॉफ्टवेयर ये दोनों सिटी स्कैन को फ्यूज़ करेगा और हमें बताएगा कि कितना एरर है, लैटरल में कितना एरर है, लॉन्गिट्यूडल में क्या एरर है और वर्टिकल में कितना एरर है और इस एरर को सिस्टम फिर करेक्ट करेगा ताकि रेडिएशन जहाँ हमारी इच्छा है एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे डिलीवर हो जाए और पेशेंट को कम से कम साइड इफ़ेक्ट हो। फिर आप इसको एक्सियल स्कैन में अलग अलग दिशा से देख सकते हैं इस पेशेंट को और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये रेड ट्यूमर है इस महिला को नाक के नीचे वाले हिस्से में और आँख के बाजू वाले हिस्से में इनको रेडिएशन देना था। आप देख सकते हैं आँख को हम एकदम सही तरीके से बचा रहे हैं और ट्यूमर को भली भांति पूरे अच्छे से रेडिएशन जा रहा है, तो ये फ़ायदा है इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रेडिएशन रेडिक्जैक्ट टोमोथेरेपी सिस्टम का। धन्यवाद।